शहर स्थित न्यू देसी चंपारण होटल में देसी हांडी मटन को लेकर लग रही है ग्राहकों की भीड़। बांका शहर स्थित देसी चंपारण होटल में हांडी मटन के शौकीनों की भीड़ लग रही है। भीड़ को देख जब वहां पहुंचकर मुआयना लिया गया तो होटल के मालिक के द्वारा बताया गया कि न्यू देसी चंपारण में हांडी मटन अन्य जगह से सस्ती और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है, जो शुद्ध देसी घी से बनता है, जिसकी खुशबू ग्राहकों को खींचे ले आती है। बताया कि यहां मात्र 100 रुपए में बिरयानी भी उपलब्ध है तथा चिकन मसाले की भी अच्छी रेसिपी उपलब्ध है। आगे क्या कुछ कहा देखें इस खास रिपोर्ट में। ये होटल का नाम देसी चंपारण, अगर लोकेशन की बात करें तो क्या है? विजयनगर पंचमुखी चौक बंधन बैंक के सामने। आप यहाँ पे क्या क्या खाना खिलाते हैं? चिकन मटन बिरयानी। बिरयानी, अच्छा, मुख्य रूप से क्या आपका ज्यादा सेल्स आउट है? मटन। मटन, अगर मटन की बात करें तो कैसा मटन या कुछ और मिक्सिंग? नहीं, प्योर मटन। मतलब अगर आपको बांका में खस्सी खाना है तो आप बेशक मेरे पास आइए, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा। अगर उनको स्वाद लेना है और बढ़िया चीज खाना है, प्योर जिसको बोलते हैं मटन, तो एक बार आके यहाँ पर चेक करें और ट्राई करें, और हमको विश्वास है कि एक बार यहाँ पे खाने के बाद वो कहीं पे और नहीं बैठेंगे। मतलब बांका अगर घुसे तो यहाँ पे आएंगे। मेरे कई कस्टमर हैं जो बाहर से आके यहाँ पे खाते हैं, जैसे भागलपुर, देवघर, टाटा, पटना तक के कस्टमर हैं मेरे पास। अगर साफ सफाई की बात करें तो क्या है आपके यहाँ? सर, हम लोग हाइजीन बहुत मेंटेन करते हैं। पर डे बनना है, हर दिन बनता है, हर दिन ख़त्म होता है। मतलब आज का माल कल नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। हम लोग खा के ही आपको पता चलेगा सर। एक बार सबको रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आके यहाँ पे ट्राई करें, चेक करें। अच्छा, जैसे और सब होटल में टेस्ट के लिए कुछ केमिकल यूज किया जाता है? नहीं, हम लोग केमिकल का जगह पे स्पेशल मसाला, अपना जो खुद का मसाला होता है, वो यूज करते हैं। आप मटन कैसे बनाते हैं? हम लोग का जो प्रोसेस है, एक बार में मटन मसाला में मिला उला के फिर एक बार में डाल देते हैं, फ्राई करने का जो है फ्राई करते हैं, मटन बनाते हैं जैसे नॉर्मली कैजुअली जैसे सब जगह बनता वैसे ही बनाते हैं। बस हम लोग का मसाला जो है स्पेशल है, थोड़ा बाहर से लाते हैं वो सब। रेट की बात करें तो क्या रेट है? मटन थाली का 180, चिकन थाली का 90, बिरयानी थाली का 100। सालों से आपका अनुभव है? सर, अनुभव तो 2 साल का है, बट यहाँ पर 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीने में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? बहुत बढ़िया रिव्यू है यहाँ। यहाँ हम लोग जहाँ पे पिछले वाले जगह से, यहाँ पे बहुत अच्छा रिव्यू है और यहाँ पे कस्टमर भी ज़्यादा डील हो रहा है। दरअसल जो पुराना मेरा नाम था वो देसी मीट भोजनालय था, बहुत लंबा नाम था। बहुत देर तक हम लोग सोचे कि क्या दें, तो ट्रेंडिंग चला हुआ था अभी, लेकिन हम देसी अपना रखें और चंपारण जोड़ दिए। बहुत बढ़िया फीडबैक मिल रहा है सर, और इसमें से कस्टमर कई जब फ़ोन करके आ रहे हैं और खा रहे हैं, फिर वो दूसरा कस्टमर को भेज रहे हैं। मतलब कस्टमर कस्टमर दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेश कुमार हुआ। जी, आप इस होटल में क्या करते हैं? मैनेजर के रूप में अभी यहाँ पे। क्या क्या आप देखते हैं? सर, यहाँ जितना व्यवस्था है वो टोटल हैंडल करता हूँ मैं अभी। जैसे कस्टमर आता है, टेबल पे पानी है, या कस्टमर आया उनको क्या चाहिए, मतलब मैं अपने तरफ से कस्टमर को पूरा तरह से फीडबैक, अच्छा फीडबैक देना चाहता हूँ। हम जो है यहाँ पर देसी चंपारण में, जो विजयनगर बंधन बैंक के सामने खुला हुआ है, यहाँ पर हम कारीगर के पद पे हैं। यहाँ पर जो भी है चिकन मटन सारा चीज़ हम ही बनाते हैं। और यहाँ का भैया देखिए, फेमस जो है हांडी मटन है आपका। जैसे कि आप किसी और जगह जाते हैं तो आपके 1400 या 1500 लग जाता है 1 kg में, और वैसा जैसा हम टेस्ट देते हैं, हम ये बात नहीं कि मतलब कि बढ़ाई करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास एक बार ट्राई करके देखिए, अगर दूसरे जगह से अगर हट के ना लगे तो आप फिर बोलिएगा। 1 kg जैसे आता है ना, उसमें आपका 19 से 20 पीस रहता है, वो कि आप देते हैं ये 1200 रुपये पर kg है सर। और वो कि एक पीस का आपका जो साइज रहेगा 55 से 60 ग्राम का रहेगा। क्वालिटी कैसा रहेगा? क्वालिटी आपका देखिए, जैसे कि हम लोग का ये बनता है ना, आपका पानी नहीं पड़ता उसमें, जो हम लोग का जैसे कि पानी वाला ग्रेवी वो नहीं होता, आपका शुद्ध घी और तेल में ही हम लोग का उस ग्रेवी बनता है। और समझ ही सकते हैं कि वो कैसा ग्रेवी बनेगा। कितने दिनों से यहाँ पे आते हैं? बहुत दिन से, 6 दिन से आते हैं। कैसा रहता है यहाँ का भोजन, कैसा रहता है मटन? ठीक, अच्छा रहता है।